तो ये ना बिल्कुल एकदम सिम्बा की कार्बन कॉपी है, बिल्कुल सिम्बा की तरह ये दिखने में, एंड बहुत नटखट है। और इसका अभी तक 1 month भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, मुझे बहुत पहचानते, मैं जिधर पे भी जाऊँ मेरे पीछे पीछे घूमना, मैं एक बार बुलाऊँ तो वो आ जाना, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो जो भी हो गाइस, अभी मैं सुबह सुबह बेड से ही वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो अभी तक मैंने बेड से उतरा भी नहीं है। और मैं आप लोगों का कमेंट्स का चेक कर रही थी, कमेंट्स को, तो मुझे लगा एक रैंडमली कमेंट्स को मैं पिक करती हूँ, आप लोगों की कमेंट्स में से एक कमेंट को मैं चूज़ करती हूँ, उसी के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। और मैंने एक कॉमन सा जो मुझे हमेशा कमेंट्स मिलती है ऐसे, तो उसी के ऊपर मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो क्या कमेंट है मैं बताती हूँ कि हमने नया रैबिट लिया है तो कैसे टेक केयर करें, प्रॉपर वे क्या होती है, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस मतलब कमेंट आ रहे थे, तो मुझे लगा इसी के ऊपर मैं क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ। ऑलरेडी मेरे चैनल पे इसके ऊपर बहुत वीडियोज़ है, बट जो मेरे नए नए चैनल पे ज्वाइन हो रहे हो उन सारे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए मेरी आज की वीडियो है। देखिए हमारे अंदर तो शौक जगते हैं, जैसे कि मेरे देख के किसी और का शौक जगा कि मुझे भी रैबिट पालना है। देखिए रैबिट पालना बड़ी बात नहीं होती, उसको अच्छे से टेक केयर करना, उसको हेल्दी डाइट देना वो बड़ी बात होती है, उसका हेल्थ का टेक केयर करना ताकि उसको हमारी कोई गलती की वजह से उसका हेल्थ इश्यूज़ ना हो, उसको तकलीफ में ना पड़नी पड़े, है ना। तो हमेशा हम लोगों को सबसे पहली बात, तो अगर आपको रैबिट लेना ही है तो आप लोग 1.5 महीने की ऊपर की बच्चों को लीजिए। बेबी बनीज अगर लेना है तो 1.5 महीने की ऊपर के बच्चों को लीजिए। उससे छोटे बच्चे अगर आप लेंगे तो सर्वाइव करना बच्चों का प्रॉब्लम हो जाएंगे, क्योंकि उतने छोटे बच्चे से खाना सीखती है प्रॉपर वे में, उसका अंदर जो पोषण की ज़रूरत होती है उसका माँ का दूध चाहिए। और क्या आप लोगों को पता है बेबी बनीज अपनी माँ की पुप्स को भी यानी कि पॉटी को भी खा दिए, और इससे इन फ्यूचर जब कोई बीमारी होती है उनसे लड़ने की ताकत मिलती है बेबी बनीज को। तो माँ की मिल्क, माँ की पुप्स, सब कुछ वो थोड़ी थोड़ी खाती है, खाना सीखती है, तो उसके माँ के साथ 1.5 महीने रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और इस टाइम पर अगर आप अपने बेबी बनी को लेके अपने माँ से छीन के लेके आ जाएंगे ना, तो शायद वो 2-3 महीने सर्वाइव भी करे, बट वो लड़ने का जो ताकत है ना वो उसको नहीं मिल पाएंगी। कभी भी छोटी मोटी बीमारियां होंगे तो उसका डेथ हो जाएंगे। तो हमेशा 1-1.5 महीने के बाद ही के बच्चे को आप लोग लेने की कोशिश कीजिए। और लाने के बाद सबसे बड़ी जो गलती होती है हम पेट ओनर्स को, जो कि जिस सेलर से हम लोग ले रहे हैं ना, गलत मतलब गाइड करते हैं, डाइट बोल रही थी मैं, गलत गाइड कर देते हैं कि हाँ घर का चावल रोटी दे दीजिएगा वो खा लेंगे, कोई भी कैरेट दे दीजिएगा, गाजर दे दीजिएगा वो खा लेंगे। लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल गलत डाइट है। ये सब खिलाएंगे तो आपके रैबिट ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, डाइजेस्टिक सिस्टम उसका सही नहीं होंगे, मतलब खाना डाइजेस्ट करना, फिर डायरिया लग जाएंगे, और डायरिया अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो आप लोगों को पता ही होंगे रैबिट डायरिया की वजह से बहुत जल्दी उसका डेथ हो जाती है, 1-2 दिन के अंदर रैबिट ख़त्म भी हो जाती है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बोलूँगी, हमेशा बोलूँगी, रैबिट के लिए, उसके हेल्थ के लिए फाइबर की बहुत ज़रूरी होती है, फाइबर रैबिट को बहुत ज़रूरी होती है। और वो कहाँ से मिलेंगे, आपको चाहिए होगा हे, अच्छे क्वालिटी का हे हो, ग्रास हो। अगर हे आपको नहीं मिल रही है तो ग्रास, नॉर्मल जो दुब्बो ग्रीन ग्रास होती है, फ्रेश ग्रास होती है, वो ही आप लोग दीजिए। और अगर ग्रास नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन से हे परचेस करके रखिए, और आप लोग उसको अनलिमिटेड क्वान्टिटी में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी में हे और ग्रास दीजिए। बेबी बनीज को तो सिर्फ यही डाइट दीजिए, और अगर बड़े रैबिट्स होंगे तो धीरे धीरे आप लोग थोड़ी सी ग्रीन लीव्स, हल्का फुल्का, थोड़ी सी फ्रूट्स, पैलेट्स, ये सब दे सकते हो। बट अगर इतने छोटे छोटे बेबी बनीस होंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रास ही देना प्रेफर कीजिए आप लोग, और हे, ठीक है। हो ऑनलाइन में बहुत हेज आप लोगों को मिल जाएंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी तो फिर ये बहुत कोई बोलेंगे प्रमोशन वीडियो हो जाती है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप लोग ज़्यादा शुगर क्वांटिटी मतलब खिला देंगे फ्रूट्स वगैरह या फिर दूसरा कुछ, तो उसको डायरिया लग जाएंगे एंड ईजिली 1 second ओके। तो यही मुझे आप लोगों को शेयर करनी थी
एक डेढ़ महीने के बाद के बेबी बनीज को लीजिए, डेढ़ महीने के बाद के बेबी बनीज को लीजिए एंड प्रॉपर वे में उसको खाना दीजिए। और अभी मॉनसून का सीज़न चल रही है तो जितना हो सके आप लोग ड्राई एरिया में रखिए रैबिट्स को, एंड वार्म बेबी बनीज को गर्माहट देना बहुत ज़रूरी होती है, गर्म जगह पर रखना ताकि बारिश के ठंड की वजह से बेबी बनीज को प्रॉब्लम ना हो या फिर डेथ ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है और बस यही मुझे आप लोगों को थोड़ी बहुत आइडिया देनी थी। और अगर इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी आप लोगों को हेल्प मिली है, आइडिया मिली हो, तो मेक श्योर मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए अभी मैं बाकी पेट्स को खाना वगैरह दूँगी, लेट हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।